क्या 32 साल पुरानी टेनाइटिस की समस्या ठीक हो सकती है? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये टेनाइटिस के जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है? बताइए, इसको कब से प्रॉब्लम हो रही थी आपको? मेरे को अभी ये काम में कम से कम 1992 में 32 साल हो गए काम में, और एक काम में एक साल हुआ, एक साल के पहले तकलीफ हुआ था। अच्छा, 32 साल से आपको ये प्रॉब्लम है? एक काम में 32 साल के पहले की प्रॉब्लम 92 में हुआ था तकलीफ। अच्छा, 92 में हुआ था, और दूसरे कान में अभी एक साल से हुआ है? दूसरे कान में अगले साल से 12वें महीने में दिसंबर में तकलीफ हुआ था। अच्छा, और हाँ, दिसंबर नहीं अगला दिसंबर। अच्छा, हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे को अभी यूट्यूब से मालूम पड़ गया, तो मैंने 2-3 कम से कम मैंने 50-60 वीडियो आपका देखा। अच्छा, और बाद में मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बॉम्बे गया, बॉम्बे से आपका जो डिवाइस लिया था मैंने। ओके, तो अभी आपको कितना आराम है? मेरे को कम से कम 60-65% तो मेरे को आराम है, बहुत अच्छा है। किस कान में जाता था? किस कान में? मेरे को राइट कान ना, मैं जो राइट कान में थोड़ा तकलीफ है, लेफ्ट कान में थोड़ा नॉर्मल आवाज आता है अभी। अच्छा, मतलब जो आपको 1992 से प्रॉब्लम थी 32 साल पुरानी, उसमें भी आपको 60% आराम हो गया? हाँ, इसमें भी इतना है, थोड़ा इसमें आवाज चुभता है, इसमें तो बिल्कुल चुभता नहीं है, नॉर्मल आवाज आता है लेफ्ट में। तो आपको अच्छा लगा होगा इतनी पुरानी समस्या में आराम मिल गया। तो आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं टिनाइटस से रिलेटेड, जिनको बहुत पुरानी समस्या हो जाती है? कई लोगों को 5 साल से है, किसी को 10 साल से, किसी को 40 साल से है, तो लोग होप उम्मीदें खो देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ ले अपना जो डिवाइस है, इससे से बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे को तो तकलीफ इतना था, मैं भी बाहर निकलता था ना, आवाज चुभता था, गाड़ी का आवाज, फोन का आवाज बहुत चुभता था। इसके बाद मैं जो डिवाइस का जो थेरापी किया, इसके बाद मेरे को बहुत अच्छा होगा। जो किसी को भी तकलीफ होगा ना, तो वो भी डिवाइस देगा और थेरापी का बहुत अच्छा हो जाता है। ये अच्छी बात है सर। मैं तो परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। मेरे को तो आई आवाज में भी जी, मेरे टेक्सटाइल का लूम चलता है, मेरे को आई आवाज में भी जाना पड़ता है। अच्छा, प्लग लगा के भी मैं जाके भी इतना अच्छा हो गया मेरे को। अच्छा अच्छा है सर कि आपको टेनाइटस और हाइपरक्यूसिस दोनों में बहुत अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी पुरानी समस्या है, 32 साल पुरानी समस्या है, उसमें आराम मिल गया। ठीक है, प्रवीण, आराम तो इसमें भी आराम है। हाँ, दोनों में आराम है। राइट कान में जो तकलीफ है इतना अच्छा नहीं हुआ, लेफ्ट कान में तो बहुत अच्छा हो गया अभी। हाँ, राइट कान में थोड़ा तकलीफ है, 92 का है इसकी वजह से। हाँ, तो उसमें कितना परसेंट लगता है राइट ईयर में जो 92 वाला है? राइट है नहीं, इसमें भी मेरे को 40-45% तो आवाज तो आने लगा, आवाज सुनने का चालू हो गया। अच्छा, सुनने की जो तकलीफ हो रही थी वो भी आपकी इम्प्रूव हो गई? हो गया। अच्छा, तो प्रवीण भाई जी, ये जो आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, क्या हम इस फीडबैक को अपने YouTube पे डाल दें? क्योंकि आपने सुना होगा लोगों ने अपने बारे में बताया है, लेकिन कई बार भरोसा नहीं होता कि ये सही है या गलत है। जब आप खुद हमारे फीडबैक सुन के आपने ये इतनी पुरानी समस्या के लिए ट्रीटमेंट लिया, तो आप क्या हम ये डाल सकते हैं? आप चाहते हैं लोगों को पता चले? ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। मोबाइल नंबर आपका सर, हम मोबाइल नंबर कभी किसी पेशेंट का नहीं देते किसी को भी। चलो ठीक है, आपको भी नहीं दिया होगा, अगर आपको भी भरोसा नहीं हुआ होगा, आपने भी सुने होंगे कि मोबाइल नंबर दे दो पेशेंट के, हम बात कर लें। हम किसी पेशेंट के नंबर नहीं देते, जब तक पेशेंट अलाउ नहीं करता हम नहीं देते। ठीक है प्रवीण जी, ओके, थैंक यू। ओके।